गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को क्लास वन का पार्ट वन स्वर और उनकी मात्राएं पढ़ाने जा रही हूँ। स्वर बेटा, स्वर कितने होते हैं? तो स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर 11 होते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए कि स्वर आपका और आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, ए, ओ, ओ, अं, ऐसे बेटा इसको काउंटिंग कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 होता है। लेकिन जो आप लोग को ये जो कि अं, अह और री, इसको नहीं लिया जाता स्वर में, इससे स्वर आपका कितना होता है? 11 होता है। इसके बाद आपका ये स्वर क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद उनकी मात्राएं, ओ, जैसे मान लीजिए कि इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट चैप्टर में कि अ की मात्रा और अमात्रिक शब्द। जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अ की मात्रा और अमात्रिक शब्द। बेटा पहली बार आप जान लीजिए कि अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ सभी व्यंजन में आता है, जैसे मान लीजिए क, ख, ग, घ, यह सभी व्यंजनों में मिल जाता है। तो बेटा जैसे मान लीजिए कि दो वर्णों वाले जो अ बिना मात्रा वाला हम लोग कुछ शब्द को ले लेते हैं, जैसे नल, घर, जल, सच, जय, चख, छत, जग। इसमें क्या होता है बेटा कि ये बिना मात्रा वाली होती है। ऐसे ये हो गया आप लोग का दो वर्ण का, दो वर्णों का, एंड अब इसके बाद आप लोग का यहाँ पे तीन वर्णों का, तीन वर्णों का। इसमें भी आप लोग अमात्रिक, अमात्रिक मीन्स क्या होता है बेटा? बिना मात्रा का, चाहे वो तीन शब्द का हो, तीन वर्णों का हो, चाहे वो चार वर्णों का हो, इसमें आप लोग मात्रा का बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि तीन वर्णों का हो गया तो आपका हो गया कमल, गगन, महल, शहर इत्यादि। इसके बाद आप लोग का आता है चार वर्णों वाला शब्द, चार वर्णों वाला शब्द। इसको भी आप लोग बिना मात्रा का ही लिखेंगे, जैसे कि उपवन, अजगर, शरबत। आप लोग को बेटा स्वर और उनकी मात्राएं, अ की मात्रा और अमात्रिक शब्द, ये दोनों टॉपिक के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद इसमें एक कविता दिया हुआ है जो कि चल हट नटखट पनघट पर चल, नल पर जल जल भर, घर चल करबत कर, डर मत छत पर चढ़, हर अवसर पर चल चल घर चल। इस कविता में बेटा
जो माँ होती है वह अपने बच्चों को पनघट, मतलब क्या होता है, पनघट पर ले जाती है पानी भरने के लिए, और उसे कहती है कि बेटा पनघट पर चल और वहाँ से पानी भर के ला। इसमें भी बेटा बिना मात्रा, बिना मात्रा वाले और मात्रिक, मतलब बिना मात्रा वाला टोटल शब्द दिया गया है। इसमें कहीं भी मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमात्रिक बोलते हैं, जिसमें कि कोई भी मात्रा इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप लोगों को आग की मात्रा वाला शब्द पढ़ाऊंगी। दैट्स ऑल।